Pakistan on Thursday violated the ceasefire and shelled forward posts and villages along the line of control in Poonch. Defense spokesperson said Pakistani army violated the ceasefire in Shahpur and Kearney sector of Poonch region. He said the Indian army retaliated in equal measure. He said no injury or damage has been reported so far. However, the district magistrate has ordered the closure of all the schools in Kearney sector on Thursday. वजह से फायरिंग जो हुई है अंधाधुंध फायरिंग हुई है पहले भी जो रुक रुक का जो फायर आ रहा है इस वक्त इसका बहुत खतरा है बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हुई हैं लोगों का माल मवेशी और लोगों में बहुत दहशत पैदा हो गई है वो घरों में बंद हुए हैं तो बात यह है कि जो फायर रुक रुक रहा है इसका बहुत खतरा होता है मगर अंधाधुंध फायरिंग हुई है कस्बा कीरनी और शाहपुर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है सुबह 9 बजे से नुकसान का अभी हम फोन शोन लगाते हैं आगे पीछे तो आज खास क्लियर खबर नहीं आई एक मकान के ऊपर लगा है पार कस्बे में गोला जो लगा है ये बहुत खतरनाक फायर है तो स्कूलों में भी भगदड़ बची है बच्चों को सफर हो गया क्लासें लगी थी तो मास्टरों ने छुट्टी की वो क्या करेंगे तो बच्चों का भी देखभाल करना हाई स्कूल इस्लामाबाद में इसमें बहुत खतरा है क्योंकि पाकिस्तान जो है ये गोला सीधा ही मारता है मकानों के ऊपर माल मेशी जहाँ होता है वहाँ गोला लगता है आकर क्लासें शुरू थी और फायरिंग शुरू हुई एक मकान के ऊपर गोला पड़ा तो इसके बाद बच्चे बाहर आए हम सभी तो उस्ताद से हमें अंदर जमा कर दिया एक जगह तो उसके बाद हमें छुट्टी कर दी।